हेलो दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त मैं मंजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मन्नू जोन चैनल पे। दोस्तों, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सभी घर पे हैं और बाहर जाने में भी अभी दिक्कत आ रही है। तो बैंक बैलेंस अगर चेक करना चाहती है आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, अगर आपका नंबर रजिस्टर है या नहीं रजिस्टर है, दोनों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम 100% इसमें रिजोल्व हो जाएगी। और मेरी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का बटन दबा दीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक बैलेंस चेक करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में आप आपका बैलेंस चेक कर सकते हैं, आपकी बहन का, भाई का, माँ का, पापा का, पड़ोसी का, किसी का भी आप चेक करके बता सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के समय में अभी कोई घर से बाहर या बैंक में जाना अभी पसंद नहीं करते, क्योंकि जा भी नहीं पाएंगे, तो उस वजह से घर पर चेक करके किसी का भी बैंक बैलेंस चेक करके बता सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। तो अभी मैं चेक करके बताता हूँ। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे सारे बैंक मिलेंगे आपको, जिसमें भी आपका अकाउंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या और किसी का चेक करके बताना चाहते हैं वो बैंक सेलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए मैं IDBI सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने मान लो IDBI सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले जिनका नंबर रजिस्टर है वो कैसे चेक करेंगे उनका बताता हूँ आपको। जो नंबर आपने बैंक में दिया हुआ है रजिस्टर नंबर से, सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर से मिस कॉल देना है। तो जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर से मिस कॉल करोगे, जैसे इस पे केवल मिस कॉल जाएगी, मिस कॉल जाने के बाद में ऑटोमेटिक कट जाएगा और आपके नंबर पे कुछ 20 से 30 सेकंड के अंदर ही एक मैसेज आ जाएगा आपका बैंक बैलेंस कितना है। ये केवल रजिस्टर नंबर से ही कर पाओगे आप। और मिनी स्टेटमेंट चेक करने तो नीचे स्टेटमेंट का भी नंबर दिया हुआ है, कीपैड का नंबर है, उनको भी ये नंबर दे सकते हैं, मिस कॉल करके वो चेक कर सकते हैं। अगर उनका नंबर अकाउंट में रजिस्टर है तो ही उससे चेक कर सकते हैं। अब मान लो आप किसी का चेक करके बताना चाहते हैं, आपके भाई का, बहन का, और किसी का चेक करके बताना चाहते हैं कि उसका बैलेंस कितना है और उनका नंबर भी रजिस्टर नहीं है, तो उनका चेक करने के लिए नीचे कस्टमर केयर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे जो भी बैंक का आप सेलेक्ट कर लीजिएगा वहाँ पे, और सभी का अलग अलग कस्टमर केयर नंबर होता है, तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करना है और उनकी जो भी डिटेल पूछेंगे बैंक कस्टमर वाले, उनको बताना है आपको, और वहाँ पे बैलेंस चेक करके उनको बता सकते हैं। तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन है, इस प्रकार से सभी आपको यहाँ पे बैंक मिल जाएगी, किसी का भी चेक करके उनको बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी काम आ सकते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई भी मोबाइल से रिलेटेड पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो मारिए जल्दी से। कोई भी अगर प्रॉब्लम है मुझे बताइए, आपकी प्रॉब्लम 100% रिजोल्व हो जाएगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।